नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि पटना की जनता क्या चाहती है, पटना साहिब की जनता के प्यारे नेता कौन है, पटना की जनता की राय क्या है, किसकी है लहर, कौन है किस पर भारी और कौन है कितना प्यारा। पटना के अलग अलग जगहों से हमने जानी आम जनता के मन की बात, साथ ही जनता ने दिल खोलकर बताई। आइए देखते हैं क्या बोली पटना की आम जनता। हम कमल साहब में वोट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी स्वभाव उनका बढ़िया है, कुछ कर रहे हैं जनता के लिए, इसीलिए उनको सपोर्ट हम कर रहे हैं। कौन सा अभी सरकार जो है वर्तमान में या पहले की सरकार, अभी महागठबंधन और एनडीए में कौन पसंद है? देखिए, महागठबंधन के सरकार में पटना के लिए और बिहार के लिए और इसके लिए गठबंधन की सरकार अभी मजबूत है और गठबंधन का ही हम लोग समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन नहीं, गठबंधन, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन। कौन पसंद है आपको? कमल साहब, नीतीश नहीं पसंद है। नीतीश नहीं, कमल छाप पसंद है। तो कमल छाप क्यों पसंद है? काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, जनता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें आप किसे, मतलब कौन सी सरकार पसंद है, एनडीए की या महागठबंधन की? जो बढ़िया काम करेगा उसी को पसंद है, जो भी बढ़िया काम करे सरकार। तो पिछले वाला क्या अच्छा काम किया है? नहीं, अच्छा काम किया। तो फिर भी कौन सी पार्टी पसंद है आपको इस लोकसभा चुनाव में? पार्टी देखिए, पार्टी तो ये अपने आप सबका अलग अलग पार्टी का ये रहता है, वैसे हम मुख्यतः जो है बीजेपी को जो है सपोर्ट किया है, बना लिए हैं। हम तो महागठबंधन की ओर जाएंगे। महागठबंधन? हाँ, महागठबंधन में जाएंगे। जो गठबंधन, मतलब गठबंधन दो है, एक एनडीए गठबंधन है और एक महागठबंधन। नहीं तो हमको जो है ये शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में है। शत्रुघ्न महिलाओं के लिए कुछ जरूर सोचती थी, महिलाओं के अधिकार के लिए बातें करती थी और इससे हम लोग बेहतर समझ रहे हैं। जो अभी केंद्र में सरकार है उससे बेहतर सरकार पूर्व में थी। जो पिछले बार सरकार था उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले बार जो सरकार था उन्हीं के सपोर्ट में। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? अभी तो जिस हिसाब से अभी चल रहा है माहौल, अच्छा, देश का, उस हिसाब से अभी बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को अगर एक बार बीजेपी को फिर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भारत का दुर्भाग्य होगा। मोदी का लहर है, मोदी जीतेगा क्या। आपको कौन सी पार्टी पसंद है, किसे? हमको भी कमल छाप पसंद है। पुराना फूल महक रहा है और नया फूल महक रहा है। रविशंकर प्रसाद जी 2-3 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। पिछले बार जीते थे, इस बार भी टारगेट उनका उतना ही है, 2,65,000 से वोट से जीतने जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा 2,65,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। का वोट बर्बाद होने जा रहा है मनु जी का, कांग्रेस में वोट, मेरा भाई है कांग्रेस में वोट देने जा रहा है, इनका वोट डैमेज होने जा रहा है। बीजेपी को? बीजेपी, हाँ मेरा मन वही है, आप कहूँ नहीं है। लहर है यहाँ से, बहुत लहर है, वही निकलेगा ही। लेकिन हम लोग कांग्रेस के वोट आज तक नहीं दिए हैं, सब दिन मेरा वोट बीजेपी का गया है और बीजेपी का जाएगा। बीजेपी को शत्रुघ्न सिन्हा को पहले देते होंगे? हाँ, पहले दिए थे। आओ, गलती की है, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं जाना चाहिए था उनको गठबंधन में, एनडीए में ही रहना, एनडीए में ही रहना चाहिए था। तो इस बार उनका चांस नहीं, कोई चांस नहीं बनता, कोई चांस नहीं बनता। एनडीए और महागठबंधन, लड़ाई तो दो ही जगह है यहाँ, तो इन दोनों में यहाँ से कौन जीता? दोनों में दोनों चोर है, कलंकित दोनों पार्टी है। बीजेपी से टूट के आता है तो कांग्रेस में जोड़ देते हैं और कांग्रेस से जो टूट के आते हैं तो बीजेपी में जोड़ लेते हैं। वाह रे वाह, हमारे देश के पर पीएम और सीएम जितने भी बन रहे हैं तो जनता को मजबूर होकर, मजबूर में जो चोर कम है उसी को चुनने का अधिकार मिल रहा है। इतने चोर चोर में किसी, जो कम चोरी करेगा उसी को जनता चोर को चुनेगा। कम चोर कौन है? कम चोर तो अब निर्णय में तो कानून मंत्री, अगर कानून सही रूप से जानते हैं जनता के लिए भी अपने लिए भी, तो रवि जी को ये कानून मंत्री को सुनना चाहिए।